डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग शिक्षण और शिक्षण की प्रमुख विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग ये जानेंगे कि शिक्षण किसे कहते हैं। शिक्षण अंग्रेजी में इसे टीचिंग कहते हैं। एक शिक्षक अपने कक्षा में अपने शिक्षार्थियों में ज्ञान देने के लिए जिन क्रियाकलापों को अपनाता है या जिन क्रियाकलापों का प्रयोग करता है, उसे हम टीचिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा देने के लिए एक शिक्षक जिन क्रियाओं के माध्यम से अपने ज्ञान को अपने छात्रों के बीच स्थानांतरित करता है, इस घटना या क्रियाकलाप को ही हम टीचिंग या शिक्षण के नाम से जानते हैं। तो शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ हैं, उन विधियों के बारे में आज हम लोग संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। इधर हमने विधियों का नाम लिख रखा है और इधर इनके जनक का नाम लिख रखा है। पहली विधि का नाम है आगमन विधि। इसके जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। निगमन विधि, इसके जो जनक हैं उनका नाम अरस्तु है। प्रश्नोत्तर विधि, इसके जनक हैं सुकरात। प्रोजेक्ट विधि, जनक का नाम है किलपैट्रिक। खेल विधि, कॉल्डवेल कुक। डाल्टन विधि, हेलेन पार्क हस्ट। किंडरगार्टन विधि, फ्रोबेल। मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी। ह्यूरिस्टिक विधि, आर्मस्ट्रांग। संवाद विधि, प्लेटो। और पंचपदीय विधि, हर्बर्ट। तो शिक्षण की इन प्रमुख विधियों से यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में एक नंबर के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें आशा है कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में हेल्प प्रोवाइड करेगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।